असम की एसटीएफ ने बांग्लादेश के बॉर्डर से जिस आईएसआईएस के भारत प्रमुख हरीश फारूकी के साथ उसके सहयोगी अनुराग उर्फ रेहान को गिरफ्तार किया, वो पानीपत के गांव दीवाना में पैदा हुआ है और उसका गांव का मकान 20 साल से किराए पर चल रहा है। उसके बारे में जानकारी मिली है कि अनुराग उर्फ रेहान और उसका भाई रेलवे में काम करते हैं और दोनों माँ के साथ दिल्ली में रह रहे हैं। इसके बाद पानीपत पुलिस भी अलर्ट हो गई। एनआईए के इनपुट पर भारत के प्रमुख हरीश फारूकी को उसके एक सहयोगी अनुराग उर्फ रेहान के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों बांग्लादेश की सीमा पार करके असम में पहुंचे थे। गौरतलब है कि फारूकी के साथ पकड़ा गया अनुराग उर्फ रेहान पानीपत के गांव दीवाना का रहने वाला है। उसका जन्म इसी गांव में हुआ था। उसके पिता पेशे से वकील थे और 1992 में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद अनुराग उर्फ रेहान अपने भाई और मां के साथ दिल्ली में रहने लगा था। गांव दीवाना का मकान परिवार ने 20 साल पहले ही किराए पर दे दिया था। मेरे को नहीं बेटा देखा हूँ, नहीं मेरे को बात पता है, कुछ नहीं। अच्छा। कुछ नहीं पता है। आज तो अंकल आए थे, मेरी अबला वही बताए बस। अच्छा। मेरा कुछ पता किराया किनको देते हूं? सरोज दीदी ले जाते हूँ। गौरतलब है कि पकड़ा गया अनुराग उर्फ रेहान और उसका भाई दोनों ही रेलवे में कार्यरत हैं। लीजिए पानीपत के गांव दीवाना में इनके मकान के साथ रहने वाला उनका पड़ोसी। इसके बाद अंदर जाने से रंजनी काम काज उठ के बोल रहा। गौरतलब है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाले पानीपत में जन्मे अनुराग सिंह उर्फ रेहान को गांव के लोग रेलवे में अफसर मानते थे। वो आतंकी संगठन के संपर्क में कब और कैसे आया इसका भी पता लगाया जा रहा है। पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत का कहना है कि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने उनसे इनपुट नहीं मांगा, मांगेंगे तो इस मामले की जाँच करवा कर जानकारी दी जाएगी। पानीपत ब्यूरो से डिंपी मल्होत्रा की रिपोर्ट।